2002 Commonwealth Games gold medalist Suma Shirur has warned Olympic bound shooters of any distractions as the team goes into the Olympic mode. India has bagged 15 Olympic quotas in shooting, which is a reflection of the country's rapid rise in the sport over the last 1 year. सबसे बड़ी चुनौती मैं कहूँगी ये होगी कि जो डिस्ट्रैक्शंस आती है खिलाड़ी के को ओलंपिक्स जैसे करीब आती है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं. मीडिया है, स्पॉन्सर्स है, यू नो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो सिटी है, तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस से शूटर्स को बचाना होगा, एथलीट्स को इन जनरल बचाना होगा और उनके कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी तरह से विचलित होने नहीं देना है. तो अगर हम ये हासिल कर सकते हैं तो आई थिंक हमें कोई नहीं रोक सकता. Shirur also feels the experienced shooters will be more under pressure to perform as compared to the youngsters who will be competing for the first time in the sporting extravaganza. Mental training is the most important thing क्योंकि shooting एक mental sport है. तो खास करके जो हमारे star players हैं उनके ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा, जो इस खेल में पहले भी जिन्होंने काफ़ी कामयाबी जिनको मिली है तो उन पे दबाव ज़्यादा होगा. पूरा मीडिया अटेंशन उन पे होगा, पूरी देश का अटेंशन होगा उन पे. तो आई थिंक दे आर रियली रियली गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ मेंटल सपोर्ट. जो नए खिलाड़ी है वो थोड़े से और फ्री माइंड से जाएंगे, फ्रेश माइंड होगा तो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन उनका जो यूथ है वो उनका साथ देगा. तो एट द एंड ऑफ द डे उस दिन कौन अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने कंसंट्रेशन को रख सकेगा वही जीत पाएगा.